अहम खबर शामिल करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ मरियम नवाज की बाजवा से मुलाकातों का जिक्र किया, ये कहना था रऊफ हसन का, और उन्होंने मजीद कहा, लोगों को अहम ओहदे देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। एक वफाकी वजीर ने कहा कि लोग चाहते हैं इमरान खान 5 साल कैद में रहें। क्या अहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताएं कि किसने कैद में रहना है और किसने बाहर रहना है? आपको अहम खबर से आगाह करें। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोहम्मद जुबैर के इल्जामात की तहकीकात का मुतालबा कर दिया है। मोहम्मद जुबैर ने नवाज शरीफ मरियम नवाज की बाजवा से मुलाकातों का जिक्र किया, ये कहना था रऊफ हसन का, और उन्होंने मजीद कहा कि लोगों को अहम ओहदे देने के वादे किए गए और हमारी हुकूमत गिरा दी गई। एक वफाकी वजीर ने कहा कि लोग चाहते हैं इमरान खान 5 साल कैद में रहें। क्या अहसन इकबाल का काम है कि वो कौम को बताए कि किसने कैद में रहना है?